गुड मॉर्निंग एवरीवन. तो आज है मंडे का दिन और यहाँ पे कल पोंगल की छुट्टी है. तो दैट मींस कि आज के बाद कल छुट्टी है और मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि मैं खाने के लिए क्या बनाऊँ. रोटी बनाऊँ, राइस बनाऊँ. हमने सोचा था कि जिस दिन भी हमारी छुट्टी हुआ करेगी उस दिन मैं राइस बनाऊँगी, सो दैट यू नो इट्स ईजी एंड ऑल. तो अभी मुझे समझ नहीं आ रहा, तो मैं सोच रही हूँ अभी एक्चुअली मुझे मटर छीलने थे. बहुत सारे मटर लेकर आई थी मैं, तो मैं अभी सोच रही हूँ जाके मटर छील लेती हूँ और टीवी देख लेती हूँ थोड़ी देर. तो अभी मैं करूँगी वही काम. हेलो एवरीवन, तो अभी हो गया है लंच टाइम और मुझे बनाना है राइस. फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं राइस बनाऊँगी और क्योंकि टाइम थोड़ा कम था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे रोटी में क्या बनाना चाहिए, तो इसलिए मैं राइस बना रही हूँ. और उसके लिए मैं ऑलरेडी जाने लाइक शारवा लेने से पहले मैं सब्ज़ी काट कर गई थी. तो चलिए फिर शुरू करते हैं. मैं बनाती हूँ मोस्टली ये वेज पुलाव या वेजिटेबल राइस या वट एवर यू कॉल इट, बिरयानी समथिंग. मैं बनाती हूँ कुकर में, बहुत लोग कढ़ाई में भी बनाते हैं बट मुझे कुकर में बेटर लगता है, जल्दी भी बन जाता है. और मैं डाल रही हूँ आज इसमें स्प्रिंग अनियन. नॉर्मल अनियन भी डाल सकते हैं बट मेरे पास था और मुझे स्प्रिंग अनियन पसंद है, इसलिए स्प्रिंग अनियन डाल रही हूँ. और उसके साथ मैं डाल रही हूँ फूल गोभी, मटर जो कि मैंने छीले थे, और कैप्सिकम. मेरे पास यही सब्ज़ी है अभी, तो मैं डालूँगी मैं रिफाइंड ऑयल में बस. और इसके अंदर मैं डालूँगी ये शान का बिरयानी मसाला. मुझे ये बहुत पसंद है एक्चुअली, ये बिरयानी मसाला. शान के बिरयानी मसाले बहुत अच्छे हैं. मुझे चिकन मसाला उनका उतना पसंद नहीं आया. इट हैड अ लिटिल स्वीट काइंड ऑफ अ फ्लेवर जो कि मुझे अच्छा नहीं था, बट बिरयानी मसाला इज वेरी नाइस. तो अभी मैं ये बनाऊँगी और उसके साथ मुझे बनाना है रायता, खीरे का रायता और सैलड. That is it. So we are done. बस इस ये इसको सेट करके मैं फिर रायता बनाऊँगी. रायते के मैं खीरा निकाल लेती हूँ. सो इसमें मैं डाल रही हूँ ऑयल, उसके बाद मैं डालूँगी जीरा. मैं बहुत ज़्यादा हल्दी वगैरह डालना पसंद नहीं करती हूँ. मैं इनफैक्ट हल्दी डालती ही नहीं क्योंकि मुझे वो पीला पीला वाला कलर ऐसे पुलाव में या बिरयानी में पसंद नहीं है. तो उसके अलावा मैं थोड़े बहुत थोड़ा सा गर्म मसाला, थोड़ा सा जीरा पाउडर ये सब डाल देती हूँ, बट मैं हल्दी नहीं डालती हूँ. एक तेज पत्ता डालूंगी इसमें. आप आलू भी डाल सकते हो, आप पनीर भी डाल सकते हो, बट मैं पनीर डालती हूँ बट अभी मेरे पास पनीर है नहीं. जब जीरा थोड़ा सा होने लगे तो उसमें हम ये स्प्रिंग अनियंस और सारे वेजिटेबल्स साथ में डालेंगे. डबल मुझे पानी डालना है, तो इसमें मैं डाल दूँगी जो मुझे मसाले डालने हैं सारे. तो मैं डालूँगी इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा है ये हाँ, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, उसके बाद मैं डाल दूंगी इसमें जो बिरयानी मसाला है. राइस मैंने भिगो के रखा हुआ था तो वो डालूंगी और जितना राइस है उससे डबल पानी. अब इसमें डालूंगी मैं राइस.
बस इसमें पानी डालना है और ढक्कन लगा के सीटी लगानी है. सीटी डिपेंड्स ऑन योर चावल कि आपके चावल में कितनी सीटी लगानी पड़ती है. मैं बस एक लगती है पूरी और दूसरी जब आने वाली होती है तब मैं बंद कर देती हूँ. तो अब मैंने इसको सीटी लगा दिया है और अब मैं बनाऊंगी रायता और सैलेड. मेरा बन चुका है. राइस में अभी प्रेशर है इसलिए मैं निकाल नहीं रही हूँ और बस मेरा लंच हो गया. तो अभी जब राइस हो जाएगा तब फिर हम लंच करेंगे और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी जो बिरयानी है वो कैसी दिख रही है. हेलो एवरीवन. तो अभी है शाम का टाइम और अभी हम बाहर आए हैं थोड़ी देर के लिए क्योंकि मेरे को अपने लैपटॉप में एंटीवायरस डलवाना था. तो इसलिए हम बाहर आए हैं और इस एरिया का नाम है जंगली घाट जो कि भी मैंने आपको थोड़ा सा दिखाया. और काफ़ी ज़्यादा बिजी एरिया है ये, इसलिए मैं गाड़ी में बैठी हूँ क्योंकि अगर किसी को गाड़ी निकालनी हो या कुछ ऐसा तो इसके लिए मैं अंदर ही बैठ गई.
और ये गए हैं एंटीवायरस लेने के लिए. और काफ़ी सारी शॉप्स हैं, छोटी छोटी शॉप्स हैं यहाँ पे. हाय एवरीवन, तो अभी हो गया है शाम का टाइम और मैं घर वापस आ गई हूँ और अब मैं बना रही हूँ चाय. और चाय जस्ट लाइक दैट. और उसके साथ मैं रोस्ट करूँगी थोड़े से मखाने. कहाँ गया, इधर इधर, हाँ ये. और बस दैट्स इट. तो चलिए फिर बनाते हैं चाय.